अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कशफ और आज मैं बनाने लगी हूं चिकन क्रीम जेल फ्रेजी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और बस आज कुछ मेरा ज़्यादा बोलने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बस उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ ऑयल। यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन 3/4 कप, मतलब कि पौना कप है ये ऑयल। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप आधा कप भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला है, ये प्याज है एक मीडियम साइज़ का लिया था मैंने, और उसको चॉप कर लिया है। अब इस प्याज को तकरीबन 1 मिनट तक इस ऑयल में पका लेना है, ज़्यादा इसे ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब इसका इस तरह का कलर आ जाए उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देना है। ये जो चिकन है ये आधा किलो है मेरे पास, और इसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काटा हुआ चिप्स की तरह। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से काटें, क्यूब्स में भी काट सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से काटना चाहें तो ये भी काट सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने एक बार मिक्स कर लेना अच्छे से, और मैंने इंतहाई कोशिश की है इस लकड़ी वाले स्पैचुला से मिक्स करने की, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने वही पुराने वाले स्पैचुला पर वापस आ गई हूँ। अब इसको कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है तकरीबन 5-7 मिनट के लिए, जब तक ये सारा चिकन जो है ये वाइट ना हो जाए। तो ये चिकन वाइट हो गया है, तो इसको एक बार मैं हिला लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, ये है 1 टीस्पून, और फिर जाएगी काली मिर्च, ये भी 1 टीस्पून, और उसके बाद जाएगी सफ़ेद मिर्च, वो भी है 1 टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो ना डालें, इसकी जगह पे आप काली मिर्च 1/2 टीस्पून और डालें। मतलब कि अगर सफ़ेद मिर्च नहीं डाल रहे हैं तो आप 1.5 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च, और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम, ये है मेरे पास 1 कप, और साथ ही मैं इसमें सब्जियां ऐड कर दूंगी। शिमला मिर्च है मेरे पास, मैंने ली थी एक बड़े साइज़ की, इस तरह से काट लिया है, और टमाटर हैं वो मैंने 2 लिए थे, उनको भी इस तरह से काट लिया है। आप चाहें तो पहले सब्जियां ऐड कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा पका लें उसके बाद क्रीम ऐड करें, या चाहें तो क्रीम ऐड करके उसके बाद सब्जियां ऐड कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दें। ये बस इतनी आसान सी रेसिपी है, इसको हमें मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस सारा कुछ डाल दें। उसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ 1/4 कप, अगर ये नहीं ऐड करना है तो ना करें, लेकिन मैं कर रही हूँ, करना है तो भी आपकी मर्ज़ी, ये ऑप्शनल है। उसके बाद इसे मिक्स कर लिया है, वैसे तो ये तैयार है, लेकिन अब इसका थोड़ा जो कच्चापन है वो दूर करने के लिए इसको दम दे देना है, बिल्कुल दम वाली आग कर देनी है, और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है हमने, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे 15 मिनट के लिए दम दिया था, और ये देखें इसके जो किनारे हैं इन पे ऑयल सारा आ गया, इसका मतलब है कि हमारी जेल फ्रेजी जो है ये रेडी है। और अब फिर मैं आपको सर्व करके इसे दिखाती हूँ। तो चिकन क्रीम जेल फ्रेजी हमारी तैयार है, और इतना सा सिर्फ टाइम लगा इसको बनाने में, और मुझे लगता है कोई सिर्फ आधा घंटा लगा होगा इसको पूरी तैयार होने में। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसके अंदर बॉयल करके अंडे भी डाल सकते हैं इस तरह से, ये जो मैंने अभी ऊपर रखे हुए हैं बाद में मैं इन्हीं को काट के इसके अंदर डाल दूंगी। 1 अंडा बॉयल करके इतनी जेल फ्रेजी में काफ़ी रहेगा, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो भी ना डालें, लेकिन अच्छे लगते हैं इसमें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।